असल कैसे हैं आप सब ठीक हैं उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे भाई साहब इजिप्ट का वीज़ा 65 डेज़ के बाद लग के फाइनली आ चुका है मेरे क्लाइंट का और अगर आप भी इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं इजिप्ट म देखने का वहाँ के पैरामिड्स देखने का मैंने खुद भी जो है वो विज़िट किया हुआ है अलहमदिल्ला से और आप भी कर सकते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए दो में क्या अपडेट्स हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कैसे वीज़ा मिलेगा सब कुछ आज बात करते हैं इनका तकरीबन 65 डेज के बाद फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगे है और आ, मैं आपको अब आप डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ ठीक है सबसे पहले जनाब वही आपका सिक्स मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका ट्रैवल प्लान आपकी होटल बुकिंग आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन आपकी बैंक स्टेटमेंट सिक्स मंथ की उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जॉब करते हैं तो जॉब्स के डॉक्यूमेंट ठीक है इसके अलावा आपके टैक्स रिटर्न जो है वो चाहिए अगर आपकी चैंबर की मेंबरशिप है तो इट्स ओके okay, वो भी आप लगा सकते हैं अगर नहीं है नो no इशूज़ बाकी आपके इनरोलमेंट स्लिप्स चाहिए होंगी जॉब कर रहे हैं आप तो ओवरऑल ये है बेसिक डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा आपकी वैक्सीनेशन का जो है वो आपने प्रूफ देना है ठीक है और आ, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो चल जाएगी साथ में तो ये भी ये मैंडेटरी नहीं है अगर आप ना भी लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है ठीक है लेकिन अगर जब लगाएं तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है प्रोफाइल पे और ये इतना कोई टफ़ नहीं है एक मेरा एक मेरा दोस्त है तो उसने अप्लाई किया था उसका वीज़ा इजिप्ट ने भी रिफ्यूज़ कर दिया था ठीक है तो ओवरऑल तो ये हैं बेसिक से डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको बेसिक चाहिए ही चाहिए हैं ठीक है तो अगर, अगर अब दूसरा तरीका क्या है तकरीबन ये ग्यारह हज़ार समथिंग तो अम्बेसी की फीस है पंद्रह सोलह हजार पे आपका जो है ना कह लें कि कुल मिला के खर्चा आज की डेट में इनशाला ने खैर रखी कोई इसमें अप डाउन ना आए तो इतना ख़र्चा आपकी आज की डेट में आ जाएगा बाकी दूसरा तरीका यह है कि अगर आप शर्मल शेख एयरपोर्ट पे जाते हैं ना तो वहां पे वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल रहे हैं ठीक है अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और यहां से आप अपनी टिकट करवाते हैं शर्मल शेख की तो आई थिंक ट्वेंटी फाइव डॉलर या कुछ समथिंग पे करके तो आप वहां पर वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो भी ले सकते हैं फिर आप मेरे ख्याल में शर्मल शेख से Uh, कायरो की तरफ भी जा सकते हैं या क्या वो प्रोटोकॉल होगा उसका मुझे नहीं पता क्योंकि वो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया मैं खुद वीज़ा लेके कायरो गया था डाउनटाउन और बाकी आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर ठीक है मैं लिंक मेंशन कर दूंगा साथ में तो ये ओवरऑल था इसका डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स अम्बेसी की फीस भी मैंने आपको बता दी है टोटल टाइम कितना लग रहा है वो भी बता दिया है और आपने ये वीज़ा ट्रॉनिक्स जो है ना टी सी एस वीज़ा ट्रॉनिक्स वहां पर आपने इसकी सबमिशन भी करनी है ये डायरेक्ट अम्बैसी में नहीं जाएगा और उनके कुछ चार्जेस अपने होते हैं तो वो फिर जब आप विजिट करेंगे इस्लामाबाद में सियालकोट में गुजरावाला में लाहौर में या जहाँ पे भी आपने अपने करीबी जो वीज़ा ट्रॉनिक्स होगा टीसीएस वहाँ पे इसकी सबमिशन करेंगे तो आपको चार्जेस वगैरह का पता चल जाएगा ठीक है तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी इजिप्ट का वीज़ा के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप मुझसे नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर ई आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मुझसे आप पेड सर्विसज़ ले सकते हैं ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दोव में याद रखिएगा टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज़